तो हेलो इंडिया, सुप्रभात की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बोझा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है हमारे जम्मू कश्मीर अपने घर से भाई। एंड आज ही का दिन बचा हुआ है और भाई सुबह सुबह घास इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि बकरी ना काफ़ी टाइम से मैं करी जा रही थी और वो आवाज़ ना सर के बीच लगती है, तो मैंने सोचा इन्हें ना खूब सारा घास डाल देते हैं, फिर ये ना मैं नहीं करेगी कम से कम। और भाई मेरी बहन कब से मेरे पास घूमी जा रही थी, अंकुश भैया कैमरा फिट करो मुझे डांस करना है, चलो एक बार फिर से दिखाओ अच्छी तरह करके डांस करके। कितना अच्छा भजन गाया भाई, ये ना समझ कम आया होगा क्योंकि इसकी जवान अभी तोतली है, पर इसने श्री कृष्ण भगवान जी का भजन गाया है। कितनी सुंदर बहन है भाई, सवेरे सवेरे ना बोल रही थी अंकुश भैया आप घर आ चुके हो, वीडियो नहीं बनानी? मैंने बोला बनानी है, पहले आपको नहा के आना पड़ेगा। देखो नहा के अच्छी अच्छा बच्चा बन के आया, थोड़ा पास जा कैमरे के सामने, अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा लग रही है, बैठ के दिखा, बैठो। ये ले, कितना सुंदर लग रही है ना। किधर यार, तो दिखाई नहीं मेरे को। राधे राधे जी। ओले भाई, जब से घर आए हो ना राजू भाई के तो दर्शन ही नहीं हुए, अभी जाके हुए हैं। और राजू भाई क्या हाल चाल? बढ़िया है ना सारा? तो दिखा नहीं मेरे को पहले। राधे राधे जी। किधर हो ना बिक्कू को फोन तो करते हैं। और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और बढ़िया, हाथ मिला पहले। ओले बड़ के बिना बोले बड़ के मारे जा रहे हैं भाई। कल से आया ना राजू, आपको बता ना, अपना हिस्सा लेने के लिए आता है, पर कल से मिला ही नहीं है, नहीं तो आप कमेंट करते भाई अंकुश भाई घर गया राजू भाई से तो मिला ही नहीं। लो भाई खुद ही दर्शन हो गए। तान शान लग गया राजू? लाना वाले तेरे लाना है? हाँ। कितने दिन लगने हैं? 4 दिन लग गए। और पैक शेक चला था? हाँ, डेली ट्रक। बोला डेली लगाते हैं। तीकु भेजना लिया बोल। ये क्या हुआ आंखों के ऊपर? मेरे लगी है। किधर लगी? इधर लगी है। हाँ। दिख रहा है ना इसकी आंखों के ऊपर ना काफी यार लगी हुई है। पैक मारा? हाँ। डिगी है भाई? वो तो डिगी है। ओह माय गॉड। एक तो भाई ये तो हंस लेता, मुझे हंसी भी नहीं आती इसके साथ। बोल रहा है पैक लगाने के बाद ना कहीं नाले में गिर गया है ना राजू। हाँ। किधर ये लगी है ना तेरी? हाँ। और भी लगी कितने? नहीं। बिकू फोन करते हैं, पार्टी है ना, शाम पार्टी होनी है, आना इधर ले लत कि मारी पहले सुना। गाना कौन सा चलू? गा के सुना एक बार। गाना गा एक बारी। नहीं गाना? चल ठीक है, फिर शामी मिलने हैं। ठीक है, ठीक है। ओके राधे राधे जी। ले भाई राजू भाई के दर्शन भी हो गए, नहीं तो आप बोलते रहते भाई घर गया राजू भाई के दर्शन करवाए नहीं। अभी के सीन कुछ ऐसा है, 11 बजने वाले हैं, मेरे को तत्काल टिकट बुक करनी है दिल्ली से पूरी की, पहले वो वाली करनी है, फिर जम्मू से दिल्ली की भी करनी है भाई। बड़ा कन्फ्यूजन टाइप बनी हुई है। और देखो वीडियो मैंने एडिट भी कर दिया, पर दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी कमी है। पहले जीतू भाई को कॉल करा है एंड तब भी बता रहे कि कम से कम ना 20-25 मिनट लगने वाले हैं। ये दिक्कत होती है, जब भी मैं घर पे आता हूँ ना चलता 5G है, पर 5G के नेटवर्क आते ही नहीं है यार, मतलब 5G वाली स्पीड नहीं आती। पर अभी भी आई विश की 20 मिनट में अपलोड हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, अभी ना घर वाली साइड चलते हैं, सभी को ना बारी बारी मिलाता हूँ क्योंकि अरे एक मिनट, आप सोच रहे होंगे ये हमारे घर पे मतलब कब आई, जब भी मैं घर आता हूँ हमारे घर पे होती है, इन्हें ना 1.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ी है, तो अभी कब खत्म होनी है छुट्टियाँ पता नहीं है, बट इनके लिए छुट्टियाँ चल रही है। जब भी मैं घर आता हूँ, मतलब 1.5 महीना आते हैं साल में, पर पूरा 1.5 महीना हमारे घर पे स्पेंड करते हैं। राम राम नानू जी। कल आया नानू? बढ़िया बढ़िया जी। और तान शान लगी है नानू? लगना है, बर्खा नहीं हुई है ना? हाँ बर्खा आई है, नहीं आज कल आनी है। आपको पता है ना नानू जी ना हमेशा बारिश का अपडेट लेने के लिए ना मेरे पास ही आते हैं, आज कल आनी है नानू बर्खा। हाँ। और भाई ये ना 3-4 दिन में घर जाने वाले हैं, इनकी 1.5 महीने की छुट्टियां खत्म होने वाली है। जब भी मैं, आप सोच रहे होंगे जब भी मैं घर आता हूँ हमारे घर पे होती है। अभी दूसरी बहन भी मेरी मिलने के लिए आने वाली है, मैंने बताया कि कल तो मैं चला जाऊँगा, आप ना मिल लो मुझसे, पता नहीं फिर मैं नेपाल ट्रिप पर चला जाऊँगा, 1 महीना उधर लगने वाला है पूरा। और मेरा लड़का बना दिया तेरी मम्मी ने, अब लड़का हो या लड़की हो? लड़का हो। थोड़ी लड़की क्या
चलो ठीक है, अभी ना घर जाके सभी से बारी बारी मिलाता हूँ, ना उससे पहले मैं टिकट कर लेता हूँ, फिर आपको गुड न्यूज के साथ ही मिलता हूँ। और मेरे दोस्त अभी ना एक छोटू सी बैड न्यूज और भी है, हमारे घर पे ना आपको रौनक बड़ी कम लग रही होगी, मतलब आपको लग रहा होगा गाय भैंस हमने बेच दी है, बिल्कुल सही सुना, पर गाय नहीं बेची है। मैंने बोला था ना गाय हम नहीं बेच सकते, वो हमारे घर का सदस्य है, पर मामा जी ने ना भैंस को बेच दिया है, क्योंकि अभी घास काटने वाला कोई घर पे है नहीं, अंशु चला जाता है काम करने के लिए जो उसकी जॉब लगी है, और लक्की अकेला क्या क्या करेगा, और मामा जी को सांस की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए सारा काम ना मामा जी को अकेले करना पड़ता है। तो अभी ना भैंस बेच दी है, ओनली हमारे घर गाय बची हुई है, और गाय के लिए अपने घर पे कितना सारा घास है, एक महीना जब मैं पहले गया था ना उस दिन लगा के गए थे, और अभी देखो इतना बड़ा बड़ा घास चढ़ा हुआ है, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता हम अपनी गाय से ना मिलाएं। जय हो गाय माता, क्या हाल चाल। इसके कान पे ना कुछ ऐसा वाला स्टिकर लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही, कोई बारकोड स्कैनर है शायद। एंड भाई जैसे मैं पहुंचा ना पहचान लेती है एक मिनट में कि अंकुश आ गया, फिर मेरे पास आती है, आपको पता ना मैं थोड़ी ऐसे गुदगुदी करता हूँ उसे, पर अभी ना अकेली रह चुकी है, और जो इसका बछड़ा है, पर इसके साथ ना अभी वो भैंस नहीं है जो उसकी रौनक थी, एक दोस्त थी, पार्टनर थी इसकी, वो अभी ना इसे नहलाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मामा जी ना बिजी रहते हैं नीचे वाले खेत में अभी। चलो यार क्या क्या एक सिंगल वीडियो में सारा कवर नहीं हो सकता, कोई नहीं, जब मैं वापस आऊँगा ना श्री ओमपुरी श्री जगन्नाथ से, तब सारा कवर कर देंगे, सही है ना। दान शान अपना लग चुका है, बट जो अपना नीचे वाला खेत है ना, जो अपना मतलब नीचे भी खेत है एक बॉर्डर के आसपास ही, वो वाला भी दान लगने वाला है, तो मामा जी कम से कम 3 दिन से ना वहीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन में ना लाइट बड़ी कम होती है, डिम होती है, एंड रात को लाइट फुल होती है तभी मोटर चलती है, तो इसलिए मामा जी लगातार 3 दिन से वहीं पे हैं। राजू का बच्चों के प्रति प्यार भी बड़ा खतरनाक है काका, राजू रहने दे, रुला दिया ना उसे, राधे राधे तो है, पर रुला क्यों रहा है, चुप काका चुप करो, बस नहीं रोना, कुछ भी नहीं, राजू ने पकड़ा, बस चुप करो काका, कुछ नहीं। मैंने बोला है ना राजू का ना बच्चों के प्रति जो प्यार है ना बड़ा खतरनाक टाइप है, मतलब उनकी मम्मियों जैसे राधिका की मम्मी है ना, इसके सामने लेके ना क्या पता छांटे मारेगी उसे, राजू को डांटो बोला, और समझे नहीं होंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटर बना दिया, मतलब बच्चों को ना डरा देता है। और मासी जी क्या हाल चाल, बढ़िया। और भाई बारिश शुरू होगी, और जैसे मैं घर पहुंचा हूँ ना, मतलब जितने भी कपड़े मैले थे ना मेरे, जैसे मैंने मासी जी को बताया कि कल मैं जाने वाला हूँ श्री जगन्नाथ, क्योंकि मासी जी ना बचपन में मेरे को कहानियाँ सुनाया करते थे कि और 3 रथ पे यात्रा जाती है, एंड फाइनली आज कल हम वहाँ पे जा रहे हैं, एंड मासी ने देखो सारे कपड़े धो दिए मेरे, दिख रहा है ना जितने भी है ना सारे कपड़े धो दिए, बैग भी धो दिया जो मेरे को लेके, मासी बैग नहीं धोया, चलो मैं खुद धो देता हूँ, बात ख़त्म, क्योंकि उससे ना मशीन में नहीं धो सकते, उसके अंदर ना एक लोहे की रॉड लगी होती है, मतलब जो बैग, हाँ जी मशीन में नहीं आएगा ना, चलो मैं खुद ही धो दूंगा वो, एंड मासी ने सारे कपड़े मशीन में धो दिए हैं। भाई अभी कुछ टाइम पहले धोए थे, अभी फिर से बारिश आ चुकी है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि कल तक सूख पाएंगे, पर ठीक है एनीवे कल तक शायद सूख जाए। और शामली, हेलो शामली क्या हाल चाल, बढ़िया। देखो सिंगल ब्लॉग में ना सारे मेरे को मिल चुके हैं, नहीं तो राजू मिलता ही ना, शामली भी ना मिलती, पर देखो सारे बारी बारी मिलना शुरू हो चुके हैं, और बारिश लेके आए हैं शुक्र है बारिश हो रही है, नहीं तो हर जगह बारिश हो रही है, हमारे जम्मू में पता चला बारिश ही नहीं हो रही भाई, पर आज ही हो रही है सारी बारिश, और मंकी कहाँ चले गए सारे, पहले ना भाई इस साइड ना इतने सारा घना जंगल था, अभी सारे पेड़ काट दिए हैं ना, तो शायद मंकी भी चले गए होंगे आगे पीछे, ले भाई मामी ने पहले एक काम दे दिया कि मंकी का अटैक ना आजकल ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वो लंबी लंबी ना लौकी की सब्जी लगी हुई है, और वो ना सारी लेके चले जाते हैं, मतलब खाते भी नहीं है पर बीच से ना तोड़ देते हैं सारी, ओ भाई मासी अभी मासी ये तो दो ही हुई थी पेंट वाले, अरे नहीं ये दो ही हुई थी पहले, अच्छा अच्छा भाई सामने ना मासी जी ने बैग भी धो दिया है, और मेरे लिए बैड न्यूज़ भी है मासी, बैड न्यूज़ होगी।
तो भाई लोग बैड न्यूज पता क्या है, मैं आपको ना पूरा विस्तार से समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। मेरे को निकलना था कल 11:30 बजे, क्योंकि ट्रेन रुक जा जो मेरी ट्रेन थी ना वो कल आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है, 4 तारीख रात 10:30 बजे थी, पर वो वाली ट्रेन अभी अवेलेबल ही नहीं है। जैसे तत्काल खुला है ना, पहली मेरी गलती है, मेरे को लग रहा था तत्काल ना 11 बजे खुलता है एसी वाला, क्योंकि मैं ना हमेशा स्लीपर बुक करता हूँ, वो 11 बजे खुलती है, और भाई एसी वाला खुलता है 10 बजे, और जब मैंने 11 बजे चेकआउट करा एसी के लिए, वो टिकट है ही नहीं है भाई, मतलब सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई स्लीपर कर लेता हूँ, और स्लीपर करने लगा, वो भी मतलब वेबसाइट खुली नहीं है, वो उन्हीं की खुलती है जो रेलवे स्टेशन वाले होते हैं ना, मतलब उन्हें एक्सेस पहले मिलता है, 150 टिकट सारी होती है पूरी इंडिया में, तो मतलब कंपटीशन है एक किस्म का बहुत ज़्यादा। फिर भाई टिकट, फिर मेरे मन में आया कि भाई मैं ना साल से वेट कर रहा हूँ भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर मैं मिस कर दूँ। फिर भाई अपना खुराबाती आइडिया लगाया, फिर मेरे को ये ऑप्शन मिला कि मतलब आज ही मेरे को घर से निकलना पड़ेगा, शाम को ट्रेन है 6 बजे। मतलब गलती ये हुई है कि मासी ने कपड़े भी धो दिए, बैग भी धो दिया, कुछ भी सूखा नहीं होगा, पर फिर भी मेरे को निकलना है, शाम को 6 बजे ट्रेन है, सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर से एक ट्रेन है सुबह 7:30 बजे। मतलब 3rd AC 2nd AC बुक करना पड़ा है, थोड़ा बजट हिल चुका है, पर फिर भी यार जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन तो करने हैं भाई, जो चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फाइनली अपनी ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा बजट हिलने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन टिकट बुक हो चुकी है, दोनों, एक सेकंड क्लास है एक थर्ड क्लास है, मई से जाएंगे, पर दिक्कत ये है कि मेरे को आज ही निकलना पड़ रहा है गीले कपड़ों के साथ। तो ठीक है, अभी काम ना थोड़ा जल्दी करते हैं, बैग सुखाना है मशीन में डाल के, बहुत सारे काम है यार। ये भगवान कैसे हो गया यार एकदम से, अगर मतलब मुझे माइंड में याद रहता ना कि 10 बजे खुलता है एसी वाला, तो सारा सिस्टम ना सही क्लास से ही बैठ जाता, पर अपनी गलती है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। तो ठीक है, फटाफट फिर पैकिंग शुरू करते हैं। तो भाई लोग अभी ना 4 बज चुके हैं, 4:30 बजे मेरे को निकलना है, क्योंकि भाई आधा घंटा पहले पहुंचूंगा, नहीं तो दोनों ट्रेनें ना अपनी मिस हो जानी है। और भाई यहाँ पे चल रही है अपनी बैग पैकिंग, और जितने भी कपड़े हैं ना जो बचे हुए थे पुराने, सारे धोके मैंने फिर से पैक कर लिए हैं। ओ मेरी छोटी बहन चाय लेके आ रही है, ये चाय, ये तो खाली है, चाय किधर है, कहाँ पे है, अच्छा पीछे क्या है। लो भाई चाय वाला टाइम भी हो चुका है, और माँ कसम मुझे उन बकरियों ने इतना परेशान करा है ना, देखो मतलब जिस बंदे को गुस्सा ना आता हो ना, उससे भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, देखो चिल्लाती नहीं है, रोती है खड़ी खड़ी। ठीक है मैं दोस्त, अभी निकलने का टाइम हो चुका है, फिर आप बोलोगे नानी जी से आपने मिला है नहीं, नानी जी अपनी मस्त है दोपहर वाली चाय पी रहे हैं, नानी बढ़िया सारा, नानी को बता तो दूं मैं काम पे जा रहा हूँ, नानी को पता ही नहीं है, नानी मैं पता कुछ जाना जगन्नाथ है, नानी जी बोले हैं बड़ी दूर है, नानी वही बात बता रही है कि जो पहले बुजुर्ग लोग जाते थे ना उन्हें 3 महीने लगते थे, शायद वो पैदल जाते होंगे जब प्रॉपर गाड़ियों के रिसोर्स नहीं होते होंगे, पर आजकल क्या है जम्मू से बैठना है दिल्ली, दिल्ली से बैठना है पूरी, पर आजकल भी मानो कि कम से कम कितने 50-40 घंटे लगते हैं, और उस टाइम तो सोचो कि इतने ज्यादा रिसोर्स भी नहीं थे ना, साधन भी नहीं थे। चलो नानी को पता है, श्री केदारनाथ का भी पता है, जगन्नाथ का भी पता है। चलो नानी मैं कल जाना, आज ही जाना, उन्हें नहीं जाना है, उन्हें नहीं जाना, हाँ नानी पूछ रही है कि तेरे साथ जो दोस्त है वो भी जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे नानी नहीं वो चली गया घरे, उदा ब्याह हो गया ना, तो उसे अपनी लाड़ी दी याद आंदी बड़ी मैं नानी को क्या बोला, नानी तभी हंस रही, मैंने बोला नानी जी उसकी शादी हो चुकी है, उससे ना अपनी बीवी की याद आती है, इसलिए वापिस चला गया। ये नानी मेरे अंदर शड़ा है चलो भाई कुछ बातें समझ नहीं आई होगी, नानी पूछ रही जीतू भाई का क्या है, मैंने बोला मेरी तरह बेचारा आगे पीछे बटे की रहा है। तो ठीक है भाई, नानी जी को भी बता दिया, अभी नानी जी को पता चल जाएगा कि अंकुश भाई वहां पे गया है, मतलब बचपन से कहानियों में सुन रहे हैं, आज रियलिटी में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहां पे मैं। हाँ जी क्या चाय, ओहो चाय नहीं भी। लो मेरे दोस्त चेकआउट करो, फाइनली कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता नहीं चला, और बैग भाई अपना उठा लिया है, एंड तहे दिल से शुक्रिया मासी जी का, सारे कपड़े धो दिए, सारे सूख भी गए भाई, धूप भी निकली हुई थी, बैग भी सूखा हुआ है, सारा सामान रेडी है, बस अभी निकलना है, और मैं ना 1 घंटा पहले निकल रहा हूँ इस बार, बेशक 10 किलोमीटर दूर से ट्रेन मिलनी है, पता है आपको मेरा रिकॉर्ड है भाई, मतलब कम से कम कितनी लगातार मैंने ट्रेनें मिस करी है, और जे वाली ट्रेन ना मैं मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई
मतलब 60-70 मिनट ना डेढ़ घंटा पहले निकल जाता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे हाईवे का काम लगा है, मैं भी गाड़ी धीरे धीरे चले। तो ठीक है, मैं रोज सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। मामी जी से तो मैंने आपको मिलाया नहीं, मैंने सोचा मतलब अभी मैं घर पे ही हूँ, कल सुबह खाना बनाते हुए मिलाऊंगा कि मामी जी खाना बना रहे हैं, पर कल का भाई सूर्य यहाँ पे निकलेगा नहीं, मेरा कहीं और निकलेगा दहली जाके। तो ठीक है, सभी का आशीर्वाद ले लेता हूँ, देन चलता हूँ। ठीक है मामी, ठीक है मासी, ठीक है नानी, चले फिर मैं। हाँ ठीक है, नानी ने बोला जल्दी वापस आ जाइयो। और मेरी बहन, मेरी बहन ना मुझे गाना सुनाने वाली है, एक और जाते जाते सुना दो काका। नहीं कोई और सुनाओ जो पहले सुना, एक क्या बनी हुई है, कोई और सुनाओ जो और आता है कोई। मेरे बोले दादा मर कितने बजे डांस करते हुए इधर इधर आके सुनाओ ना काका, बस खत्म हो गया मासी, और सुनाना है जल्दी सुनाओ, बस खत्म हो गया। मटकी वाला सुना, मटकी सुना दे। चलो ठीक है, बस बस काफी है। ए ना सुबह से इसने ना 3 बार सुना दिया है शाम वाला गाना, चलो बाद में ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा मैं। चलते हैं मेरे दोस्त, अभी निकलते हैं। और मामा जी से मिला ही नहीं, वो 3 दिन से भाई नीचे वाले खेत में है, वहाँ पे मैंने बताया ना सुबह दान लग रहा है वहाँ पे, तो भाई दिन टाइम ना मोटर चलती नहीं है, लाइट वाइट डीम होती है, एंड शाम को मोटर चलती है, तो इसलिए वो मतलब वो खेत में पानी भरने में ज़्यादा टाइम लगे जा रहा है। चलो वैसे मैंने 6-7 दिन में वापस आ जाना है, फिर मिलेंगे अच्छी तरह। दिखा दो कैमरे में भाई वो गाना ना इन्होंने फ्री में नहीं सुनाया, उसके लिए अलग से पैसे पे करने पड़े हैं मेरे को। ठीक है मेरी बहनों, बाय बाय। दीपू को गाना आता भी नहीं है। तो ठीक है भाई चलते हैं, और कुल देवताओं को भी याद कर लेते हैं। इतने बड़े तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ जो कि मतलब बड़े भाग्यशालियों को नसीब होती है, सही है ना। चलो मैं याद कर लेता हूँ बिहाइंड द कैमरा, फिर निकलते हैं। मोटी मामी भी चली गई। ठीक है मामी, हे भगवान। बढ़िया बढ़िया, श्री जगन्नाथ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, जय भोले शंकर। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, अच्छा जगन्नाथ किधर मंदिर है उधर जगन्नाथ की है। थोड़ी मामी फिर मिलेंगे 5-6 दिन के बाद। ठीक है, राधे राधे जी। ठीक है माता, दोनों पैर सुनिए एक साथ, जय आशीर्वाद दे दो। ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। चल रहे हैं मेरे दोस्त, लेट हो जाऊंगा नहीं तो। चलो भाई सारे कामना से सलामत हो चुके हैं। लो मेरा दोस्त, चेक आउट करो। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, पर आपको पता ना मेरे साथ ना हमेशा उल्टा ही होता है। जब मैं लेट हो जाता हूँ ना, ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे निकलती है, और जब मैं स्टेशन पे पहले आता हूँ ना, ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है। अभी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है, मतलब अभी पहुंचेगी वो यहाँ पे 6:30 बजे। शुक्र है भाई मेरी ट्रेन ना सुबह दिल्ली 5:30 बजे पहुँच रही है। चलो 1 घंटा लेट हो जाए, 4:30 बजे पहुँच रही है, 1 घंटा लेट हो जाएगी 5:30, 2 घंटे लेट होगी 6:30, बस 3 घंटे लेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपनी नेक्स्ट वाली ट्रेन छूट जाएगी। वैसे भाई लोग, जो मैंने ट्रेन टिकट बुक करी है ना, वो भाई कठुआ से है, पर ये वाला स्टेशन ना हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, मतलब एक ही गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, 5-6 किलोमीटर होगा, 7-8 किलोमीटर, तो इसलिए मैं इस वाले स्टेशन पे आ चुका हूँ। बस यही टेंशन है कि टीटी भाई साहब यहाँ से ना अंदर आ जाए, बाकी अगर एक बार कठुआ के आसपास पहुंच जाते हैं ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे थोड़ा आहिस्ता चला यार, कहाँ पे आग लगी है। ठीक है भाई, अभी भी आधा घंटा, पूरा 1 घंटा बचा हुआ है, 1.25 घंटा बचे हुए हैं,
अपनी ट्रेन अभी जम्मू पहुंची है और जम्मू से यहाँ पे लगेगा कम से कम एक घंटा तो लगता है यार पूरा। चलो देखते हैं क्या पता सुपर फास्ट ट्रेन हो। भाई अभी ना मेरे साथ वही हो गया जो हमेशा मेरे साथ होता है, भले मैं खुद जिम्मेदार हूँ। सांस तो आने दो, अभी ना 5 मिनट बचे हैं ट्रेन आने में। भाई मेरे को मतलब पहले ना आधा घंटा था, मैंने सोचा कुछ खा के आता हूँ, खाने चला गया और बाद में चेकआउट करा ट्रेन तो पहुँच चुकी है राइट टाइम पे। ओ माई गॉड, शुक्र अभी नहीं आई है भाई। मुझे बताए, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ना भर भर के गालियाँ मिलने वाली है, तू बड़ा लापरवाह है। मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे लिखा था ट्रेन ना 32 मिनट लेट चल रही है, तो मैंने सोचा अभी ना 32 मिनट है यहाँ पे पहुँचने में, जो मैंने नीचे टाइम देखा भाई मुझे लग रहा है सारे चले गए यार, ट्रेन निकल तो नहीं गई। ओ भगवान, अगर ऐसा हो गया तो पोपट हो जाएगा मेरा। टेंशन मत लो, ट्रेन नहीं आई है, सारे इधर ही हैं। यहाँ पे ना इतनी सारी झाड़ियाँ थी इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा था। शुक्र है भाई, आज के बाद ना लापरवाही नहीं करनी है। महंगा पड़ गया मेरे को, देखो मैंने खा भी नहीं पाया, जल्दी से ना पैक करवा लिया। मैंने बोला मैं ट्रेन के अंदर खा लूंगा, बस मेरे को जाने दो भाई।